अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये गाड़ी, ये लैंड क्रूजर, ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। इसमें दिक्कत थी, इसका प्लग में भी करंट नहीं आ रहा, इसका जो कॉइल में भी नहीं आ रहा। इसका ये एसीएम रिले चेक करते हैं, इसका जो है मेन रिले है, इसकी वायरिंग चेक करते हैं, इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसमें करंट नहीं आएगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ना ही प्लग में करंट आएगा। चाबी को करते हैं ऑन, इसको चाबी ऑन कर लिया है। चाबी ऑन करने के बाद इसका चेक करेंगे, इसमें करंट आ रहा है कि नहीं। इसकी ये पहली पिन में देख रहे हैं, इसमें 12 वोल्ट आ रहा है। दूसरी पिन में देख रहे हैं, इसमें भी 12 वोल्ट आ रहा है। अब इसका ग्राउंड चेक करेंगे, इसमें ग्राउंड आ रहा है कि नहीं। ये इसकी सिग्नल की वायर है, ये इसका दूसरा ग्राउंड है, देख सकते हैं इसमें ग्राउंड भी आ रहा है। इसका मतलब कि रिले, इसका वायरिंग सही है, इसका रिले सही है। अब ये रिले इसका लगा देते हैं। यहाँ से अगर बैटरी से एक वायर डायरेक्ट लगाएंगे तो रिले ख़राब होगा तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। पहले इसकी हमने कॉइल की करंट चेक कर लेना है। ये कॉइल की जो है पहली वाली वायर में इसका चेक करेंगे, इसमें ग्राउंड आ रहा है पहली वायर। इसकी ये दूसरी वायर है, इसमें चेक कर रहे हैं, इसमें देखिए 5 वोल्ट करंट इसमें आ रहा है। पास से आपको दिखाते हैं, इसमें ये इसकी 12 वोल्ट है लास्ट वाली वायर, इसमें 12 वोल्ट आ रहा है। एक में 5 वोल्ट आएगा, एक में सिग्नल ये 5 वोल्ट आ रहा है, ये वाली एक सिग्नल की है। दूसरी पिन में भी चेक करते हैं, सेम आ रहा है कि नहीं। दोनों भी सेम आएगा 12 वोल्ट ग्राउंड, ये इसमें ग्राउंड आ रहा है। दूसरी में चेक करते हैं, इसमें 5 वोल्ट आ रहा है। तीसरी इसकी सिग्नल की है जो कि एसीएम से आता है, इसमें देख सकते हैं इसमें जो है ये लास्ट वाली वायर है, इसमें 12 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब कॉइल में भी करंट इसका आ रहा है सब बराबर। इसको लगा देते हैं। रिले भी सही है इसका, कॉइल में भी करंट आ रहा है। इसमें यहाँ कंडेंसर लगा हुआ है, इसका भी करंट चेक करेंगे, इसमें करंट आ रहा है कि नहीं। इसमें भी करंट नहीं आएगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। इसमें पहली वाली वायर में देख रहे हैं सिग्नल है, दूसरी ब्लैक वायर है जो इसमें देख रहे हैं ग्राउंड आ रहा है ब्लैक वायर में। इसमें भी ये सिग्नल है, ये एक इसकी ग्राउंड की है। अब इसकी चिकन अर्थ होटल का जो मास सेंसर लगा हुआ है और इसका जो है मैप सेंसर, इसको चेक करेंगे। इसके ये पहली वाली वायर में देख रहे हैं, पास से दिखा रहे हैं, इसमें जो है 5 वोल्ट आ रहा है। सेंटर वाली बीच वाली वायर में इसका चेक करते हैं, ये इसकी सिग्नल है, इसमें 2 वोल्ट बता रहा है, 2 वोल्ट। ये इसकी लास्ट है, इसमें ग्राउंड आ रहा है अर्थ आ रहा है, ये भी इसका सही है। दूसरा सेंसर उतार के उसका भी चेक करेंगे। ये इसका 3 पिन है, इसकी ये पहली पिन में हमने लगाया, इसमें भी 5 वोल्ट आ रहा, 5 वोल्ट आ रहा है। ये इसका सेंटर वायर ग्राउंड है, ये लास्ट वाली इसकी वायर है, इसमें चेक कर रहे हैं। ये इसका सिग्नल है, लास्ट वाली सिग्नल है, इसमें नहीं आ रहा। इसके पीछे लगा हुआ है जो कि थोटल की मोटर लगी होती है, इसमें चेक करेंगे करंट, इसमें 12 वोल्ट आना चाहिए, इसमें 12 वोल्ट नहीं आएगा तो गाड़ी रेस भी छोड़ेगी, पिकअप भी छोड़ेगी।
इसकी ये लास्ट वाली वायर चेक करते हैं, इसमें ये इसमें ग्राउंड आ रहा है। बीच वाली वायर है इसकी, सेंटर वाली वायर, इसमें देख सकते हैं 12 वोल्ट आ रहा है। ये इसकी लास्ट वाली वायर है, ये इसका जो है सिग्नल की है, ये देख सकते हैं सिग्नल की वायर है, ये इसका सही है। इसमें कैम सेंसर का चेक करेंगे, इसमें कैम सेंसर ये नीचे लगा हुआ है। कैम सेंसर में दो वायर, एक रेड है एक ग्रीन वायर है। इसमें जो है एक में अर्थ आएगा, एक में गाड़ी सेल्फ मारने पर क्रैंक करने में ग्राउंड का सिग्नल जाएगा। ये इसमें दो वायर है, इसमें ग्राउंड आ रहा है। अब इसकी एसीएम की वायरिंग चेक कर लेते हैं, एसीएम में करंट प्रॉपर आ रहा है, काम कर रहा है कि नहीं। ये इसका जो है आगे वाली रेड वायर है, लाल वायर है, इसमें चेक करेंगे इसमें ग्राउंड आ रहा है कि नहीं। ये रेड वायर आगे वाली है, फिर इसको निकाल लेना तब इसका चेक करना है, ताकि पता चले रिटर्न करंट तो नहीं जा रहा है। यस, हमने इसका पावर लगाया, इसमें चेक कर रहे हैं इसका आगे वाली में ग्राउंड, देख सकते हैं इसमें ग्राउंड आ रहा है। ये इसकी ग्राउंड की है, ये लास्ट वाली वाइट और ब्लैक है, ये भी ग्राउंड की वायर है, इसमें ग्राउंड आ रहा है। उसके बगल में ये इसकी पीली कलर की है जो वायर है, इसमें देख सकते हैं इसमें जो है पीली वाली में 12 वोल्ट आ रहा है। ये इसकी पीली वायर, इसमें 12 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद ये ग्रीन हरी कलर की वायर है, ये हरी वाली वायर में चेक कर रहे हैं, इसमें भी 12 वोल्ट आना चाहिए। ये इसमें भी 12 वोल्ट आ रहा है, इसमें भी करंट 12 वोल्ट आ रहा है। इसकी ये लाल वाली रेड वाली वायर, इसमें ग्राउंड आ रहा है। अब इसका जो है ये ब्लैक है, उसके बगल वाली ये भी ग्राउंड आ रहा है। ये उसके बाद जो लगी हुई है दो नंबर पिन पर जो लगी हुई है, इसमें चेक करेंगे, ये दो नंबर पिन पर है, इसमें सिग्नल का ये। अब इसका हमने पीछे का चेक करना है, इसको पलट दिए, ये पीछे लास्ट वाली वाइट वाली वायर है सफ़ेद, इसमें ग्राउंड आ रहा है। ये लास्ट वाली वायर है, उसके बाद ये पीली वाली वायर है पीछे की जो है, इसमें देख रहे हैं ये इसका पीछे वाली वायर है। वीडियो अकेले बना रहे हैं, मोबाइल पकड़ने में मुश्किल हो रही है, इसलिए वीडियो थोड़ा साफ नहीं बन रही है, इसके लिए मैं सहमत हूँ। ये इसमें ग्राउंड आ रहा है। अब ये इसके नीचे वाली पिन है, इसमें भी करंट आना चाहिए। अब इसमें भी चेक कर रहे हैं वायर में, सब वायर में, इसकी ये लास्ट वाली वायर में देख सकते हैं ग्राउंड आ रहा है। ये लास्ट वाली वायर चेक की है, ग्राउंड आ रही है। इसकी दूसरी नंबर पर जो लगी हुई है, इसमें चेक कर रहे हैं, ये दूसरी नंबर वाली पिन पर देख सकते हैं, इसमें 10 वोल्ट बता रहा है। अब इधर चेक करते हैं, इसकी पीली वाली वायर, इसमें देख सकते हैं इसमें 12 वोल्ट आ रहा है। ये इसमें 10 वोल्ट आ रहा है, इसकी वाइट वाली वायर में 10 वोल्ट आ रहा है, इसके बगल वाली में 12 वोल्ट आ रहा है।
ये वाली लास्ट वाली वायर में भी 12 वोल्ट आ रहा है। ये इसकी ग्रीन वाली वायर है, उसको चेक करते हैं, इसमें ग्राउंड आ रहा है। हरी वाली वायर में ग्राउंड आ रहा है। इसके बाद इसकी जो लास्ट वायर है उसको चेक करेंगे, ये इसका पिन में करंट आ रहा है। इसका लास्ट वाली वायर सिग्नल की है, इसमें 7 वोल्ट बता रहा है। ये इसका पीछे का चेक करेंगे, अब ये पीछे वाली वायर में देख रहे हैं 12 वोल्ट आ रहा है, जो कि पीछे ये लास्ट पहले नंबर पर लगी हुई है। ये ग्रीन वाली वायर हरी वाली वायर में चेक कर रहे हैं पीछे की, इसमें ग्राउंड आ रहा है हरी। उसके बाद दूसरी पिन में लगा रहे हैं, चेक कर रहे हैं, वीडियो बनाने में बहुत मुश्किल हो रही है। ये इसका जो है ग्राउंड है। एसीएम की हम दूसरी वीडियो में इसका आपको डायग्राम लोकेशन दे रहे हैं, देंगे, आप दूसरी वीडियो में जा कर के इसका डायग्राम भी चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो आपकी समझ में थोड़ा ना आए, दिक्कत आए, तो आप जो है दूसरी वीडियो में मेरे जा कर के इसका डायग्राम देख सकते हैं। ये इसका जो है लास्ट वाली पिन है, ये लास्ट इसका जो है नीली कलर की वायर है, ये सिग्नल की है। अगर ये वीडियो में आप देखेंगे तो इसमें ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि डायग्राम में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। ये इसका लास्ट वाली ग्राउंड की है। बस आप इतना सब चेक कर